हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर साहिल, आई एम ए प्लास्टिक सर्जन एट डर्मा वेव पानीपत। आज मैं आपको फैट ग्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगा। फैट ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं, क्या इंडिकेशन है, क्या कैसे करते हैं और क्या केयर है। पहला हम बात करते हैं इंडिकेशन की। इंडिकेशन इसमें फैट ग्राफ्टिंग में कॉमनली जो होता है वो पोस्ट एक्ने स्कार के बाद हमारे चीक में गड्ढे बन जाना या चीक का डिप्रेशन होना, ये एक नॉर्मल एक कॉमनेस्ट इंडिकेशन है। सेकंड इंडिकेशन है जैसे किसी पेशेंट को बाय बर्थ कोई फेशियल डिफेक्ट हो, उसमें चीक डिप्रेस्ड हैं या हमारे चीक के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो, उसमें भी हम फैट ग्राफ्टिंग करते हैं। तो फैट ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं? फैट ग्राफ्टिंग हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया मतलब आपको पूरा बेहोश नहीं करते, हम आपके एब्डोमेन से यानी कि पेट से आपका ही फैट लेके उतने एरिया को सुन करके और उस फैट को हार्वेस्ट करने के बाद हम प्योरीफाई करते हैं, और प्योरीफाई करने के बाद हम आपके फेशियल जहाँ पे डिप्रेशन है या गड्ढा है उस डिप्रेशन को हम फैट से भरते हैं। उसमें निशान जो हम पेट से फैट ले रहे हैं उसमें नाभि के अंदर से हम कट लगाते हैं, बहुत ही 0.5 सेंटीमीटर का, जो कि दिखता नहीं है, और ये हम सिर्फ उतना एरिया सुन करते हैं। और टोटल टाइम जो हम फैट ग्राफ्टिंग में लेते हैं वो अराउंड 1 घंटा होता है। तो एक तो आपके आपका खुद का फैट लेते हैं, दूसरा निशान नहीं आता टमी पे या पेट पे। तो उसके बाद फैट हार्वेस्ट करने के बाद हम उसको प्योरीफाई करते हैं, देन आफ्टर प्योरीफाई करने के बाद हम पेशेंट को फेस पे इंजेक्ट करते हैं। वो भी एक इंजेक्शन हमारे पास बहुत फाइन कैनुलाज होते हैं, जैसे हम नीडल लगाते हैं या किसी को इंजेक्शन देते हैं वैसे ही वो फाइन कैनुला होते हैं। तो उस पर कोई फेस पे कट नहीं आता है, एक बहुत ही फाइन कैनुला यूज़ करने के बाद हम फैट को इंजेक्ट करते हैं। नॉर्मली हम फैट जब इंजेक्ट करते हैं तो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फैट इंजेक्ट होता है। उसका रीज़न ये है, कारण ये है कि फैट जितना भी आप फैट डालना है, जैसे सपोज हम किसी पेशेंट को 10 ml फैट डालना है एक चीक पे, तो हम उससे डबल या एटलीस्ट 15-20 ml डालते हैं, ताकि क्योंकि 50% ऑफ द फैट एब्जॉर्ब होता है या 60% ऑफ फैट लॉस हो जाएगा और 40% एब्जॉर्ब होता है। तो फाइनल अपीयरेंस जो हमें चाहिए वो 2 हफ्ते के बाद आती है। इनिशियली वही इसलिए हम पहले थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं ताकि हमें पता है कि वो एब्जॉर्ब होता है, तो इसलिए 2 हफ्ते के बाद जो हमें अपीयरेंस चाहिए फेस पे वो आती है। तो एक तो हमारा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो फेस पे कोई कट नहीं लगा, एब्डोमेन पे कोई कट नहीं लगा, 1 घंटे का टोटल प्रोसीजर होता है, विदिन 2-3 आवर्स पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। तो फैट ग्राफ्टिंग एंड ये बहुत महंगी सर्जरी भी नहीं है, अफोर्डेबल सर्जरी है एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर। वी आर डूइंग रेगुलर बेसिस एट अवर सेंटर एंड द ओनली सेंटर आई कैन अश्योर यू डर्मा वेव वी आर डूइंग एट मोस्ट अफोर्डेबल रेट इन होल ऑफ हरियाणा। सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो फर्दर अबाउट फैट ग्राफ्टिंग एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डू द फैट ग्राफ्टिंग इन योर फैमिली और फ्रेंड्स, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एट डर्मा वेव। थैंक यू।